नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि मानवता के लिए टोपियो और तैमन का जोखिम केवल ईसाई मुल्कों या भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि यह जहां भी रहेंगे इनकी मजहबी मानसिकता से उस इलाके या देश को इनका शिकार होना ही पड़ेगा। इनके झुकाव पिछवाड़े से चलने वाले तीर पूरी मानव जाति को जख्मी करने के लिए काफी है। भारत तो इनको यहां रखकर नतीजे भुगत ही रहा है। अब पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान के विरुद्ध आवाज बुलंद करके उसकी परेशानी भी बढ़ा दी है। मुल्ला जमाली ने ऐलान किया है कि इमरान सरकार मजहब विरोधी है, यह अल्लाह के असूलों पर चलने वाली सरकार नहीं है, बल्कि इमरान खान मस्जिदों पर तालाबंदी करके मजहब को मिटाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब दुनिया में दो वायरस एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। कुरान और कुराना नामक ये दोनों वायरस अब मानव जाति के लिए मुसीबत हो चुके हैं। इमरान खान तो हालांकि पहले ही मौलवियों के सामने घुटने टेक चुके हैं, मगर बावजूद इसके पाक के मुल्ला उनको बकसने के मूड में नजर नहीं आते। मौलवियों ने सरकार के लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया है। इन कट्टरपंथी मौलानाओं ने महामारी को गंभीरता से नहीं लिया है और धार्मिक अलगाव को रोकने से इंकार कर दिया है, जिससे मदीने की रियासत से बहुत से इस्लामिक मुल्कों की सियासत ठंडी होने वाली है। दरअसल इस वायरस को इस्लामी मुल्कों में फैलाने के लिए पाकिस्तान निशाने पर आ गया है। 15 मार्च को तबलीगी जमात में मलेशिया, तुर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, नाइजीरिया, कतर, जॉर्डन, यूएई जैसे 26 मुस्लिम मुल्कों के 4500 जिहादियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 75% संक्रमित होकर इन देशों में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने 5200 टीमों को 41,000 जमातियों को पकड़ने के काम पर लगाया है। इस्लामाबाद को अंदेशा है कि इसमें से 48% जियादी वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इमरान की फिक्र यही है कि ये 41,000 टोपीबाज पाकिस्तान की 26 लाख आबादी को 15 दिन में संक्रमित कर सकते हैं। लाहौर से अकेले तबलीगी जमात के 41 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 74 टोपीबाजों की जांच की गई थी। यानी आंकड़ा बहुत बड़ा और मदीने की रियासत के तबेलों में हड़कंप मचाने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान के 60 अलग अलग शहरों में 10,000 जमाती संक्रमित है, मगर ये सभी अपने अपने तबेलों में डूबके हुए हैं और बाकायदा इस प्रसाद के वितरण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जबकि जमात के अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने वायरस नहीं फैलाया है, यह तो शैतान का काम है। यानी पिछवाड़ा उठाऊ और गर्दन मटकाऊ लोग अभी भी आदम अव्वा के लंगोटे पकड़कर हीरा मंडी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। इधर इमरान लोंडे की सलवार घुटनों से ऊपर हुई जाती है। दरअसल दुनिया में फैली महामारी के बीच भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर पर एक बड़ा कानून लागू किया है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 के अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष तक रहने वाले लोग ही दो मिसाइल के हकदार होंगे। इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा जारी नए अधिवास नियम के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर का निवासी वह माना जाएगा जो कम से कम 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो। इमरान खान मोदी के इसी फैसले पर बिलबिला गए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी ने यह कानून लागू करके जनसंख्या बदलाव का नया नुक्ता निकाला है। यानी इमरान खान की बुद्धि फिर गई है। एक तरफ वायरस का प्रकोप है तो दूसरी ओर मोदी का कड़ा फैसला उनकी नींद उड़ा रहा है। कल इमरान खान ने इसी कानून को लेकर कश्मीर राग अलापा था, मगर जानलेवा वायरस के बीच में उनकी आवाज दुनिया को सुनाई नहीं दी। वैसे भी पाकिस्तान की हालत सांप के मुंह में छुचंदर जैसी है। पाकिस्तान में संक्रमितों की संख्या 2,500 के पार पहुंच गई है। यहां 42 तैमंदबाज मदीने की रियासत छोड़कर हुरों की तलाश में निकल गए हैं, मगर इमरान खान अपनी आवाम को राहत देने की बजाय अभी भी भारत विरोध की अपनी राजनीति से मोह भंग नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान की जनता बिना राशन के त्राहिमाम कर रही है और इमरान को मोदी से सीख लेने की सलाह दे रही है। मौलाना सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। ऐसे में बेबस इमरान खान इस बार भी कश्मीर के नाम पर अपने निकम्मेपन से पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, जो कि फिलहाल छुटता हुआ नहीं दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि तबलीगी जमात से बढ़कर वायरस से मुल्ला मुल्क भी पाकिस्तान से खार खा रहे हैं। इन देशों ने पाकिस्तान की इस कारगुजारी पर नाराजगी जाहिर की है। नाइजीरिया ने तो स्पष्ट कहा है कि उनके देश को संकट में डालने के पीछे पाकिस्तान है, जिसने 2.5 लाख लोगों के जलसे को रोकने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई और इस्लामिक देशों को मुश्किल में डाल दिया है। यानी पाकिस्तान पर डबल नहीं तीन तरफा मुसीबत चल रही है, जो यकीनन बेबस इमरान और उसके नए पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।